उन्हें देना कि सही स्थान से ना जाए, सही स्थान से वापस आए यीशु मसीह, रास्ते के हर पाप का समाधान करके यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। What's up my lovely people, welcome back to the channel, this is RPJ and I hope you all are fine. Aaj hai 29 tarikh, 29 January and today is the launch of our album, Magnifiers album ka aaj launch hai, second album, Rehna Main Chahun. Waise jab tak aap ye video dekhoge tab tak launch ho chuka hoga. If you want to order it, you can go and order it. To filhal to hum chal rahe school aur aaj main ho gaya hun late kyunki jo hai थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर मैं ज़रा सा भी थोड़ा सा भी लेट उठूँ ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे को ड्रेसिंग करनी होती है अपनी चोट की, और ये सुबह शाम अगर मैं ड्रेसिंग ना करूँ तो चोट ख़राब हो सकती है, क्योंकि उस पर ना पानी निकल रहा है, जो गड्ढा है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होता है जिससे एक लेयर जम जाती है, उसको मैं साफ़ ना करूँ ना डेली तो वो पस बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एक डेढ़ हफ्ते की और बात है सूख जाएगा पूरा, फिर कोई लेट नहीं, तो चलते हैं स्कूल और मिलेंगे स्कूल के बाद। सो आई एम बैक, यस 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ मैं क्योंकि शाम को आप लोगों को पता है क्या है, टुडे इज द लॉन्च ऑफ आर सेकेंड एल्बम, मैग्नीफायर्स के सेकेंड एल्बम का लॉन्च है आज, रहना मैं चाहूँ। सो घर पे कुछ कुछ काम है अर्जेंट जो कि जल्दी निपटाने हैं, उसके लिए तो चलते हैं घर, पहुँचते हैं पहले और फिर सब कुछ ख़त्म करके सीधे पहुँचेंगे चर्च। तो मैंने तो सोचा था भाई 12 बजे का टाइम है, थोड़ा सा जाम वाम कम मिलेगा, मतलब बहुत ही जाम था, 45 मिनट्स लगे मेरे को यहाँ पे पहुँचने में। तो कुछ ऐसा लुक मैं आज पहनने वाला हूँ, अंदर होगा पूरा ब्लैक और ये होगा ऊपर से, कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा मुछड़ा हुआ है, प्रेस होगा तो सब सेट हो जाएगा, एंड सोफा भी अपना हो रहा है तैयार। कुछ नहीं दिखेगा ना अभी, तो जब तैयार होगा तब दिखेगा आपको सही से, अभी सब ब्लर है, गोलियां नहीं चल रही हैं, गोलियां नहीं चल रही हैं, स्टेपल होती है स्टेपल। तो मेरा कुछ फ्यूचर प्लान है, 2-2.5 साल तो इन्हीं को बढ़ाने में लगेंगे, उसके बाद इन पर प्लान आएगा, ये अभी इतने गुद्दी तक हुए हैं, ये गुद्दी के और गुद्दी में नीचे जाएंगे, फिर कुछ होगा इनमें देखना आप मुझे अगले 2-3 साल में। मैं बता दूं क्या होगा? GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो फाइनली टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ प्रॉपर बाथ, आज नहाऊंगा दिल खोल करके, कपड़े खोल करके। तो मैंने उसका जुगाड़ कर लिया कि चोट में पानी रहना है, हालांकि वो सूख रही है और फिर भी जो गड्ढा है वो अभी भी थोड़ा नमी है उसमें, मैं नहीं चाहता उसमें भी पानी लगे या फिर से वो गीली हो जाए चोट, तो मैंने इसको थैली से बांध लिया है अच्छे से टेप वेप लगा करके, तो अब नहाते हैं प्रॉपरली आज, बड़े ही दिनों के बाद, एटलीस्ट 20-25 दिन बाद मैं प्रॉपरली नहाऊंगा, सो आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, उसके बाद मिलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं फिर निकलते हैं लॉन्च के लिए। हम आ चुके हैं अपने चर्च में मैग्नीफायर्स लॉन्च के लिए, मैग्नीफायर्स एल्बम के लॉन्च के लिए। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आरपीजे की ब्लॉग? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैग्नीफायर्स की सेकंड एल्बम की लॉन्च है, yes. तो लोगों को बताओ उसमें क्या स्पेशल है और क्या अच्छा हुआ है, पहले एल्बम से क्या अच्छा है? पहले एल्बम से हम लोगों का ये मत बोलिए कि दो है इस एल्बम में इतना अच्छा। पहले एल्बम से ये वाली एल्बम इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें म्यूजिकली और हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, और वर्शिप सॉन्ग स्पेशली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ पहली एल्बम भी बहुत अच्छी थी, यस पहली एल्बम बहुत अच्छी है, सेकंड एल्बम बेहतर है, यस और सेकंड, क्योंकि हमें हमेशा
और ऊपर जाना चाहिए. यस, ही इज निखिल, ही इज आवर लीड गिटारिस्ट ऑफ मैग्निफायर्स बैंड. चले और किसके बाद चले? आरपीजे के साथ है अभी अक्षय मैथ्यूज एंड ही इज लीडिंग मैग्निफायर्स. कैसा लग रहा है आज हमारी जनता को बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है और आज एल्बम रिलीज है, बहुत मेहनत करी है, पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करी, पूरे हफ्ते नहीं करी है, सालों साल की मेहनत है ये. हाँ, इस इवेंट के लिए इस हफ्ते ज्यादा करी है, एक्स्ट्रा करी है क्योंकि एल्बम को रिलीज करना था. और पिछली एल्बम कब आई थी हमारी? 2016 जब हमने ताल के टोरस स्टेडियम में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारा, हमारे चर्च की 25th एनिवर्सरी थी एंड उस दिन हमारी पहली एल्बम थी. आज क्या है? आज है 29 जनवरी 2021, यानी कि पाँच साल हो गए हैं. और हम कॉन्सर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा हुआ, इसलिए हम ऑनलाइन इवेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे. मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड है ना? यस, बहुत ज़्यादा. अभी आए नहीं हमारे सारे बैंड मेंबर्स, वरना सबसे मिलवा के जल्दी से आएंगे, फिर मिलेंगे. धूप कितनी अच्छी है, धूप. तो अपना मैग्निफायर्स का एल्बम लॉन्च हो चुका है, यू कैन गो एंड फाइंड इट ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई. अगर अभी तक आपने वो लॉन्च का वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड वॉच इट ऑन मैग्निफायर्स चैनल ओनली, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हेलो, हाय, मैं दिख रही थी चाबी बंद है. बंदे की चाबी. हेलो, ये पता है भी कैसा साउंड कर रहा है? जैसे बचपन में कैसेट चलाते थे ना, वो कैसेट चलते चलते अटकने लगते थे ना, ऐसे आ जाते थे. सो फाइनली गाइज, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. आशा करते हैं आप लोगों का आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज था हमारे मैग्निफायर्स बैंड का सेकेंड एल्बम का एल्बम लॉन्च. रहना मैं चाहूँ, अगर आप इवेंट देखना चाहते हैं हमारा, तो यू कैन गो टू मैग्निफायर्स चैनल एंड वॉच द फुल इवेंट, लाइव इवेंट जिसमें हम सब थे वहाँ पे, और हमारे गाने भी हैं और साथ ही साथ एक वीडियो भी आज रिलीज हुई है जिसका नाम है तू ही है वीडियो सिंगल. दिस इज़ द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर सीन ऑफ मैग्निफायर्स बैंड, नॉट इन द वर्ल्ड. मैग्निफायर्स बैंड की हमारी सबसे बेस्ट वीडियो अभी तक की, तो आप लोग भी जा करके देखना. अभी मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पहली वीडियो बना रही थी सोफे के साथ, जो कि मुझे आप लोगों को अभी दिखाना नहीं है. तो सोफ़ा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल तक हमारा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये बनने में कैसा है. वैसे कैसा है भाई, आवाज बता दो पीछे से. बढ़िया, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, इस पे सो भी सकता हूँ. हाँ, वो सोने के लिए ही है, एकदम किंग साइज बना हुआ है सोफा कम बेड, बहुत मस्त है. तो कल मिलते हैं दोबारा से अच्छे व्लॉग में, अच्छी बातों के साथ, अच्छी चीजों के साथ. होप यू एंजॉयड इट. अगेन हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज योर लव इज ऑल वी नीड. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. इन लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो लोग बैठे सोफे पे. और बता दूं, दो हफ्ते बाद मेरी बाइक भी आ जाएगी. बाय बाय. Coming home to see you around.